चाय वगैरह बनाने का काम चल रहा है और ये हमने जो है चालू कर लिया। तो ये डाल दिया हमने पत्ती, तो ये हो गया हमारा शक्कर और इसके बाद जो है ये है हमारा अदरक जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चाय के लिए, और बिना अदरक की चाय तो पीने का मन ही नहीं करता। और ये रखे हैं अभी दूध, दूध थोड़ा टाइम में डालेंगे तो अभी थोड़ा सा उबलने देते हैं, बॉईल होने देते हैं, उसके बाद जो है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। और जो है अभी थोड़ा किचन पे हूँ और आज जो है चाय बनाने का मन किया, तो अभी हमारी जो है चाय बन रही है और जो सारी चीज़ें थी हमने डाल ली हैं, थोड़ा सा उबलना चालू हो गया है। इस तरीके से जो है चाय हमारी बन रही है, अमूल का दूध रखे हुए हैं तो अभी दूध डालना बाकी है। तो अभी थोड़ा सा और बॉईल होना बाकी है और फिर हमारा जो है चाय रेडी हो जाएगा और कुछ चीज़ों के बारे में और जो है हम बात करेंगे। सो वीडियो में आप बने रहिए, तब तक जो है हमारी चाय बन जाएगी। अभी जो है हम छत में आए हैं अपना चाय लेके, जो चाय अभी हम बनाए थे। सो चाय जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहाना है और बारिश लगातार हो ही रही है। लगभग आज पूरा दिन गुजर गया बारिश होने में और कुछ इस तरीके से नज़ारा है। अभी हरी भरी चीज़ें आपको दिख रही होंगी और ये छत पर जैसा कि देख पा रहे होंगे पूरा पानी अभी आपको दिख रहा होगा हल्की। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारा चाय लेके और थोड़ी खुली जगह पर जो है चलते हैं। सो गाइस, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे तो ये अभी हम छत पे हैं। अभी आपको छोटा सा एक क्लिप दिखाया था तो उसमें आप देख चुके होंगे और ये कुछ हमारे घर के आसपास जगहों का सीन है और ये हमारी चाय है। बारिश हो रही है आप देख पा रहे होंगे, तो अभी जो है मेरे कपड़े पे देखो आप छींटे पड़ रही होंगी और बारिश में अगर चाय ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो चाय लेके तो वैसे घर में बैठ के पीता था लेकिन आज चलो थोड़ी सी मौसम अच्छी है और घटाएं भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तेज़ है, बारिश भी दिन भर हो रही है। आज लगभग दिन भर हो ही चुका है और काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गीरा छोड़ दिया, ऐसा नहीं, कंटिन्यू बारिश हो रही है। कल भी हुई थी, आज भी हो रही है। और बारिश का मौसम हो और चाय ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता और ये तो मज़ा मैं छोड़ता नहीं हूँ। बारिश हो मतलब चाय पीनी ज़रूरी है। गर्मी में थोड़ा सा हालांकि नहीं पीता लेकिन इस टाइम और ठंड के मौसम में चाय तो पीना ही पड़ता है। सो इसी तरीके की जगह है ये और ये आसपास में जो घरें हैं वो आपको दिख रही होंगी। ये जब मौसम अच्छा क्लियर हो, साफ़ हो तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा घर किस जगह पे है और कैसे जगह पे है। और अभी जो है ये सेकंड फ्लोर में हूँ मैं, मतलब दूसरी मंजिल जिसे कहा जाता है, तो उसकी ये छत है। और आपको क्या लगता है कि जो बारिश का टाइम होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें, क्यों बारिश का मौसम एक चीज़ें तो काफ़ी अच्छी है, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी है कि जो मज़े हैं, मतलब जो चाय पीने का जो सुकून है, और बारिश हो तो पकोड़े, किसी को खाने का मन होता है तो किसी पीने का मन होता है, तो किसी को घूमने का ज़्यादा इच्छाएं होती है क्योंकि वाटरफॉल्स वगैरह ये सारी चीज़ें अभी बारिश के टाइम में ओपनली हो जाती है, मतलब खुल जाती हैं और बंद भी हो जाती हैं ज़्यादा बारिश होने के कारण। लेकिन जो सीज़न होता है ना घूमने का, वाटरफॉल देखने का, तो वो यही टाइम होता है, बारिश का ही महीना होता है। तो वैसे ज़्यादातर मैं तो घूमता फिरता नहीं हूँ और बस ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उस पर मज़ा कर लेता हूँ, चाय पीना, पकोड़े खाना। सो ये सारी चीज़ें मैं करते रहता हूँ और कभी टाइम मिला था उसको कभी और जो है कभी टाइम मिला, मौका मिला तो उसका भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे।
और जो हमारी चाय है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसे बनाया हुआ है। सो अभी जो है हमारा चाय पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और जो चाय पीने का जो क्या बोलते हैं एक सुकून था वो भी हो गया हमारा पूरा। चाय पी लिए हैं, अब थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी मेरे को लगता है कि आनी चाहिए। वैसे चाय पीने से कोई एनर्जी नहीं आती, बस एक क्या बोलें एक आदत सी बन जाती है कि शाम को या फिर सुबेरे का टाइम जो होता है तो चाय पीनी है, मतलब पीनी है ऐसा। और इसे कोई एनर्जी ताकत ये एडवर्टाइजमेंट है सारी चीज़ें आप देखते होंगे, तो ऐसा कुछ मेरे ख्याल से नहीं होता। और मैं तो चाय काफ़ी टाइम से पी रहा हूँ तो मुझे तो कोई एनर्जी मिली नहीं। बस ये है कि जो थोड़ा सा मीठा चीज़ जाने के बाद मन होता है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बस इतना ही है चाय का मतलब। तो ये माहौल तो काफ़ी अच्छा है, आज का दिन भी काफ़ी अच्छा हो गया और बारिश भी काफ़ी अच्छी है, तो आज का दिन बहुत मेरे ख्याल से अच्छा लगा मेरे को। और तो इसी तरीके से मैं कुछ कुछ वीडियोस बनाते रहता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ ऐसे मोमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में और वीडियो आते रहेगी। हमारा अभी तो नया नया चैनल है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और सपोर्ट करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, नए व्लॉग के लिए। तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं तक, और बारिश थोड़ी सी और बढ़ जा रही है, और बारिश बढ़ने से पहले वीडियो जो है बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि बिजली थोड़ी सी आ रही है और थोड़ी सी बादल भी जो है गरज रहे हैं, फट रहे हैं। तो